नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके हमारे चैनल यू जनरल स्टडी ग्रुप में। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट साइंस के 30 क्वेश्चन लेके आए हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए आप वीडियो क्लास तो देखिए, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते बिना टाइम गवाए आज का वीडियो। दोस्तों पहला क्वेश्चन है, एक मनुष्य 990 मीटर दूरी स्थित सिटी की ध्वनि सुनकर अपनी घड़ी मिलाता है, उसकी घड़ी में कितना दोष रहेगा? हवा ध्वनि का वेग 330 मीटर प्रति सेकेंड से है। फिर से क्वेश्चन दोस्तों, एक मनुष्य 990 मीटर की दूरी स्थित सिटी की ध्वनि सुनकर अपनी घड़ी मिलाता है, उसकी घड़ी में कितना दोष रहेगा? हवा ध्वनि का वेग 330 मीटर प्रति सेकेंड है। इसका दोस्तों सही आंसर है बी, 30 सेकेंड सुस्त। क्या दोस्तों का बी? 30 सेकेंड सुस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन दो नंबर चलते हैं, सिलिकॉन है। क्या क्वेश्चन दोस्तों है? सिलिकॉन है। इसका सही आंसर है ए, अर्धचालक। क्या दोस्तों का ए? अर्धचालक। नेक्स्ट क्वेश्चन तीन नंबर चलते हैं, यदि किसी सतह पर लगाने वाले बल को दोगुना कर दिया जाए तथा सतह के क्षेत्रफल को आधा कर दिया जाए तो दाब प्रारंभिक दाब के कितना गुना हो जाएगा? फिर से क्वेश्चन दोस्तों, यदि किसी सतह पर लगाने वाले बल को दोगुना कर दिया जाए तथा सतह के क्षेत्रफल को आधा कर दिया जाए तो दाब प्रारंभिक दाब के कितना गुना हो जाएगा? इसका सही आंसर दोस्तों होगा ए, 4 गुना। क्या दोस्तों का ए? 4 गुना। ए 4 गुना। नेक्स्ट क्वेश्चन चार नंबर चलते हैं, दो समान वेक्टरों का परिणाम शून्य है, उनके बीच का कोण होगा? फिर से क्वेश्चन दोस्तों, दो समान वेक्टरों का परिणाम शून्य है, उनके बीच का कोण होगा? इसका सही आंसर है दोस्तों बी होगा, 180 डिग्री। क्या दोस्तों का बी? 180 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन पांचवा चलते हैं, 600 ग्राम जल को 30 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने के लिए आवश्यक ऊष्मा की गणना कीजिए, जल का विशिष्ट ऊष्मा बराबर 1 केल्विन प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस है। फिर से क्वेश्चन दोस्तों, 600 ग्राम जल को 30 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने के लिए आवश्यक ऊष्मा की गणना कीजिए, जल का विशिष्ट ऊष्मा बराबर 1 केल्विन प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस। इसका दोस्तों सही आंसर होगा बी, 30,000 केल्विन। क्या दोस्तों का बी? 30,000 केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन छः नंबर चलते हैं, सरल लोलक में जब विस्थापन आयाम के बराबर हो तो गतिज ऊर्जा होती है। फिर से क्वेश्चन दोस्तों, सरल लोलक में जब विस्थापन आयाम के बराबर हो तो गतिज ऊर्जा होती है। इसका सही आंसर होगा बी, शून्य। क्या दोस्तों होगा? बी, शून्य। बी, शून्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सात नंबर चलते हैं, अम्ल तथा क्षार की परस्पर अभिक्रिया को कहते हैं। क्या क्वेश्चन दोस्तों है? अम्ल तथा क्षार की परस्पर अभिक्रिया को कहते हैं। इसका सही आंसर दोस्तों होगा सी, उदासीनीकरणीय। क्या दोस्तों होगा? सी, उदासीनीकरणीय। सी, उदासीनीकरणीय। नेक्स्ट क्वेश्चन आठ नंबर चलते हैं, आठ नंबर क्वेश्चन दोस्तों है, प्रबल अम्लीय विलयन में मीथेन ऑरेंज का रंग होता है। क्या क्वेश्चन दोस्तों है? प्रबल अम्लीय विलयन में मीथेन का ऑरेंज का रंग होता है। इसका सही आंसर दोस्तों होगा ए, लाल। क्या दोस्तों का ए? लाल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नौ नंबर चलते हैं, निम्नलिखित के साथ LI विकर्ण संबंध दर्शाता है। क्या क्वेश्चन है? निम्नलिखित के साथ LI विकर्ण संबंध दर्शाता है। इसका सही आंसर दोस्तों होगा डी, MG। क्या दोस्तों होगा? DMG। नेक्स्ट क्वेश्चन
दस नंबर चलते हैं। यदि किसी पिंड की गतिज ऊर्जा चार गुनी कर दी जाए तो उसका संवेग हो जाएगा। क्या क्वेश्चन दोस्तों है? यदि किसी पिंड की गतिज ऊर्जा चार गुनी कर दी जाए तो उसका संवेग हो जाएगा। इसका सही आंसर दोस्तों है बी, दो गुना। क्या दोस्तों का बी? दो गुना। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर चलते हैं। किसी धातु का विशिष्ट प्रतिरोधक 44×10⁻⁸ ओम मीटर है। इस धातु के 1 मीटर लंबे और 1 मिमी व्यास वाले तार का प्रतिरोध होगा। फिर से क्वेश्चन दोस्तों, किसी धातु का विशिष्ट प्रतिरोधक 44×10⁻⁸ ओम मीटर है। इस धातु के 1 मीटर लंबे तथा 1 मिमी व्यास वाले तार का प्रतिरोधक है होगा। इसका सही आंसर दोस्तों है बी, 0.56 ओम। क्या दोस्तों का बी? 0.56 ओम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर चलते हैं। किसी घर के प्रतिदिन 60 वाट की 2 ट्यूबलाइट 4 घंटे जलती है तथा 100 वाट के 3 बल्ब 5 घंटे चलते हैं तथा उस घर में प्रतिदिन वे विद्युत ऊर्जा है लगभग। फिर से क्वेश्चन दोस्तों, किसी घर में प्रतिदिन 60 वाट की 2 ट्यूब 4 घंटे जलती है तथा 100 वाट के 3 बल्ब 5 घंटे जलते हैं उस घर में प्रतिदिन वे विद्युत ऊर्जा है लगभग। इसका दोस्तों सही आंसर है डी, 2.0 किलोवाट प्रति घंटा। क्या दोस्तों आंसर होगा? 2.0 किलोवाट प्रति घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर चलते हैं। पूर्ण परावर्तन उस समय होता है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है। क्या क्वेश्चन दोस्तों है? पूर्ण परावर्तन उस समय होता है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है। इसका दोस्तों सही आंसर है डी, क्रांतिक कोण से कम कोण पर। क्या दोस्तों आंसर होगा? डी, क्रांतिक कोण से कम कोण पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर चलते हैं। कार्बनिक यौगिकों का मुख्य स्रोत है। क्या क्वेश्चन दोस्तों है? कार्बनिक यौगिकों का मुख्य स्रोत है। इसका सही आंसर दोस्तों होगा सी, ए और बी दोनों। कोल तार भी होगा, पेट्रोलियम भी होगा, इसलिए दोस्तों ए और बी दोनों होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर चलते हैं। क्षारीय विलयन का पीएच मान होता है। क्या क्वेश्चन दोस्तों है? क्षारीय विलयन का पीएच मान होता है। इसका दोस्तों सही आंसर है बी, 7 से अधिक। क्या दोस्तों होगा? बी, 7 से अधिक। वीडियो कैसा लगा? वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, बेल आई बटन को दबाना ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है, भू गर्भ पृथ्वी में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाली धातु है। क्या क्वेश्चन दोस्तों है? भू गर्भ पृथ्वी में सबसे अधिक पाए जाने वाली धातु है। इसका दोस्तों सही आंसर होगा सी, एल्युमिनियम। क्या दोस्तों का सी? एल्युमिनियम। सी, एल्युमिनियम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर चलते हैं। जल में घुलनशील अशुद्धियाँ इसके। क्या क्वेश्चन दोस्तों है? जल में घुलनशील अशुद्धियाँ इसके। इसका सही आंसर दोस्तों है बी, क्वथनांक को बढ़ा देता है। क्या क्वेश्चन, क्या आंसर होगा दोस्तों? बी, क्वथनांक को बढ़ा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर चलते हैं। नौसादर और नमक को पृथक अलग किया जाता है। फिर से क्वेश्चन दोस्तों, नौसादर और नमक को पृथक अलग किया जाता है। इसका दोस्तों सही आंसर है सी, ऊर्ध्वपातन द्वारा। सी, ऊर्ध्वपातन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर चलते हैं। निम्नलिखित में से मिश्रण है, टूथपेस्ट, संगमरमर, लोहा, दूध, सोना, स्याही, चीनी, वायु, स्थल। फिर से क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से
मिश्रण है। टूथपेस्ट, संगमरमर, लोहा, दूध, सोना, स्याही, चीनी, वायु, जल। इसका दोस्तों सही आंसर है सी, सी दोस्तों होगा, टूथपेस्ट, दूध, स्याही, वायु। सी टूथपेस्ट, दूध, स्याही, वायु। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर चलते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन दोस्तों है, निम्नलिखित में से रासायनिक परिवर्तन नहीं है। फिर से क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से रासायनिक परिवर्तन नहीं है। इसका सही आंसर दोस्तों है सी, वाष्प का बनना। क्या दोस्तों इसका आंसर होगा? सी, वाष्प का बनना। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर चलते हैं। धातु के बर्तन में रखा दूध निम्न में से किस परिस्थिति में सर्वाधिक शीघ्रता से ठंडा हो जाएगा? फिर से क्वेश्चन दोस्तों, धातु के बर्तन में रखा दूध निम्न में से किस परिस्थितियों में सर्वाधिक शीघ्रता से ठंडा हो जाएगा? इसका सही आंसर दोस्तों है सी, जब बर्फ को बर्तन के चारों ओर रखा जाए। इसका सही आंसर होगा सी, जब बर्फ को बर्तन के चारों ओर रखा जाए। 22 नंबर क्वेश्चन दोस्तों है, निम्न में से कौन सा तत्व है? क्या क्वेश्चन दोस्तों है? निम्न में से कौन सा तत्व है? इसका सही आंसर दोस्तों है सी, मैग्नीशियम। क्या दोस्तों आंसर होगा इसका? सी, मैग्नीशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर चलते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन दोस्तों है, अंतराणु के स्थान अधिक होता है। क्या दोस्तों क्वेश्चन है? अंतराणु के स्थान अधिक होता है। इसका सही आंसर है दोस्तों बी, गैस। क्या दोस्तों होगा? बी, गैस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर चलते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन दोस्तों है, क्रिस्टलीय ठोस है। क्या दोस्तों क्वेश्चन है? क्रिस्टलीय ठोस है। इसका सही आंसर दोस्तों है डी, शक्कर। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर चलते हैं। गर्म करने पर नौसादर साल्ट अमोनिक विघटित हो जाता है। क्या क्वेश्चन दोस्तों है? गर्म करने पर नौसादर साल्ट अमोनिक विघटित हो जाता है। इसका दोस्तों सही आंसर है डी, NH3HCl। छब्बीस नंबर क्वेश्चन दोस्तों है, परमाणु के नाभिक में होते हैं। क्या क्वेश्चन दोस्तों है? परमाणु के नाभिक में होते हैं। इसका सही आंसर दोस्तों है बी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। 27 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, परमाणु को सर्वप्रथम किसने विभाजित किया? क्या क्वेश्चन दोस्तों है? परमाणु को सर्वप्रथम किसने विभाजित किया? इसका सही आंसर दोस्तों होगा सी, बेकरेल। क्या दोस्तों का? सी, बेकरेल। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर चलते हैं। परमाणु के नाभिक में स्थित प्रोटोनों और न्यूट्रॉनों की संख्या कहलाती है। क्या क्वेश्चन दोस्तों है? परमाणु के नाभिक में स्थित प्रोटोनों और न्यूट्रॉनों की संख्या कहलाती है। इसका सही आंसर दोस्तों है ए, द्रव्यमान संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर चलते हैं। नाभिक का आकार होता है। क्या क्वेश्चन दोस्तों है? नाभिक का आकार होता है। इसका सही आंसर दोस्तों है बी, 10-12 सेमी। क्या दोस्तों का? बी, 10-12 सेमी। इस वीडियो का दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? क्या क्वेश्चन दोस्तों है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन
असत है। इसका सही आंसर दोस्तों होगा परमाणु अविभाज्य है, बी परमाणु अविभाज्य है। वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।